आज हम नाइन्थ क्लास का प्रश्न नंबर 8 पढ़ेंगे। दी हुई ए बी रेखा के समानांतर एच दूरी पर एक रेखा खींचो। हमारे पास दी हुई ए बी रेखा है, ये है हमारे पास ए बी रेखा है दी हुई, और एक है एच दूरी दी हुई है। ये मैं यहाँ ही ले लेता हूँ, ये देखिए, इसका नाम हम दे देते हैं H। हमने क्या करना है, दोनों बिंदुओं पर A और B बिंदु पर हमने 90 डिग्री के कोण बनाने हैं। ये आपकी पहली चाप 60 डिग्री की, और यहाँ से आपने दूसरी चाप लगानी है ये 120 डिग्री की। इसी चाप को आप आगे बढ़ा सकते हैं, और यहाँ से इस चाप को ऐसे काट देंगे, ये आपका 90 डिग्री का कोण बन गया। इसी तरह से हम जो है वो यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बना देंगे। ऐसे, और हम इसको मिला देंगे, आगे बढ़ा देंगे। डॉटेड अब हम क्या करेंगे, जितना आपका एच है, ये आपका एच है, इतनी प्रकार खोल के एच दूरी के समानांतर है, तो हम ऐसे इसको काट देंगे, और इनके नाम हम दे देते हैं चाप। हम बड़ी भी लगा सकते हैं चाप, ऐसे भी लगा सकते हैं चाप, हम ऐसे भी लगा सकते हैं। इनका नाम हम दे देते हैं यहाँ पे सी और डी। अब हम क्या करेंगे, सी और डी को भी आपस में मिला देंगे, हम डार्क मिला देंगे, क्योंकि आपकी आंसर रहता है यह प्रश्न नंबर 8 आपका पूरा। प्रश्न नंबर 9 आपका है, दी हुई रेखा ए बी के समानांतर बाहर के बिंदु सी से समानांतर रेखा खींचो। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैक्सिमम ये पेपर में पूछा गया है आज तक मेरे अनुभव से। तो हम क्या करेंगे इसको बनाने के लिए, जो प्रश्न में हमें दिया हुआ है वो हम सबसे पहले लेंगे, दी हुई ए बी और ए बी के बाहर बिंदु, ये मैंने ले लिया है सी बिंदु ले लिया है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक पॉइंट ले लूँगा एच, इसका मैंने नाम दे दिया है एच, और मुझे क्या करना है, एच पर का पॉइंट पर प्रकार रखनी है, और सी जिन्हें प्रकार ऐसे में प्रकार खोलूँगा, और यहाँ से चाप लगा दूँगा। जैसे ही मेरी चाप आई है, कई बार क्या होता है कि मेरी लाइन छोटी पड़ जाती है इस तरह से, तो हम क्या करेंगे, या तो इस लाइन को बढ़ा देंगे, या फिर ये पॉइंट आगे हम ले सकते हैं। तो हम इस लाइन को ही बढ़ा रहे हैं, आप देख सकते हैं, मैं ये लाइन बढ़ा देता हूँ ऐसे, और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ। अब ये मेरी ए बी रेखा बड़ी हो गई है, और जहाँ पे ये चाप कट रही है ये पॉइंट मैंने दे दिया है जी। अब हम क्या करेंगे, जितनी प्रकार हमने यहाँ खोल रखी थी एच से सी, जितनी इतनी प्रकार खोल के हम सी पर रखेंगे, एच जितनी प्रकार खोल के, और हम यहाँ से चाप लगाएंगे, चाप लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, जी से सी जितनी प्रकार खोलेंगे, एच प्रकार पॉइंट पर रखेंगे, और यहाँ से इसको काट देंगे चाप को, इसका नाम हम दे देते हैं डी, और हम इसको आपस में मिला देंगे। ये देखिए, ये ए बी रेखा पर बाहर बिंदु डी बिंदु बाहर सी से समानांतर रेखा हमारी कंप्लीट।